वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस गाइस। आज मैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड पे वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मुझे रिक्वेस्ट आया था फॉल टास्क के पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अगला वीडियो उसी पर शेयर करूंगा और उसके बाद मैं करंट अफेयर का वीडियो शेयर करूंगा नवंबर मंथ में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन पर। चलिए स्ट्रेट्स देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेट्स, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्ट्रेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन दीज स्ट्रेट्स और ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट और समय की बचत यहाँ से होती है, क्योंकि ये शॉर्टकट रूट होता है किसी भी दूसरे कंटिनेंट में सी रूट के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेजेस होते हैं। दरअसल स्ट्रेट होता क्या है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। देखिए ये आप कह सकते हैं नैरो पैसेज है, गलियारा कह सकते हैं पानी का, जो कि दो बड़ी ओशंस या वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये गलियारा जो है पानी का, ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, साथ में एट द सेम टाइम दो लैंड मास को ये अलग करती है। तो ये होता है स्ट्रेट। इसी पे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं वर्ल्ड में जो कि हमें जानना जरूरी है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पहला है। आज मैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स नहीं कवर कर रहा हूँ, आज मैं सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हर स्ट्रेट के बारे में हम देखेंगे। तो जो गिब्राल्टर का स्ट्रेट है वो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो जानना जरूरी है कि यूरोप और अफ्रीका को ये अलग करती है और ये लाई करता है देखिए यहाँ पर। और पहली बात, दूसरी बात ये ज्वाइन करती है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर अटलांटिक सी है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑयल वाली कंट्रीज हैं, जो भी ऑयल प्रोड्यूस करती हैं जो कंट्रीज, तो यहाँ से जो वेस्टर्न कंट्री है जैसे अमेरिका साउथ अमेरिका, वहाँ पर ऑयल ट्रांसपोर्ट यहाँ से करना बहुत आसान हो जाता है, शॉर्टकट रूट और टाइम की बचत, तो यहाँ पर मुनाफे का सौदा एक तरह से आप कह सकते हैं। तीसरी बात आपको यहाँ पर ये जानना है कि जो अफ्रीकन कंट्री गिब्राल्टर के पास है सबसे नज़दीक वो है मोरक्को, और जो यूरोपियन कंट्री है यहाँ पर गिब्राल्टर है जो कि कॉलोनी है ब्रिटेन का, और साथ में क्यूटा जो कि स्पेन का पार्ट है, तो वो लोकेटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेट देखते हैं, बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट का जो लोकेशन है वो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। अगर आप इस पिक को जूम करके देखेंगे तो ये जो नीचे वाला पिक है, जो ऑस्ट्रेलिया है उसका विक्टोरिया जो पार्ट है उससे कनेक्टेड है, उससे उसके बीच में और तस्मानिया के बीच में ये बास स्ट्रेट पड़ता है। दरअसल जो डिस्टेंस है वो है अप्रोक्सीमेटली 240 किलोमीटर, मैं ब्रिथ की बात कर रहा हूँ, चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, 240 किलोमीटर इन, और माइल्स में अगर आप लिखें तो 150 माइल्स के अप्रॉक्स आता है। उसके बाद दूसरी चीज, ये कनेक्ट करता है तस्मन सी और सदर्न ओशन, तो एक तरफ तस्मन सी है दूसरी तरफ सदर्न ओशन है। और इसका जो नाम है बास स्ट्रेट वो जॉर्ज बास के नाम पे पड़ा था, GEORGE जॉर्ज बास, और ये एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। और ये तीसरी, यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। यहाँ पर एक जो ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खास तौर पे जो गैस फील्ड्स होते हैं नेचुरल गैस के वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद ये UFO साइट सीइंग के लिए भी फेमस है। दरअसल कहते हैं कि यहाँ पर मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल में होती है, कई सारे जहाज यहाँ पर गुम गए हैं तो, और कई बार UFOs भी देखे गए हैं, तो इसलिए ये फेमस है ये जगह। और एक और बात यहाँ पर मैं आपको जीके के लिए बता दूँ, जो ऑस्ट्रेलिया जो रीजन है वो फाउंड किया गया था कुक के द्वारा, जिनका पूरा नाम था जेम्स कुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुक स्ट्रेट, तो जिसकी मैं बात कर रहा था, कुक भले ही कुक स्ट्रेट है बट ये लोकेटेड है न्यूजीलैंड में। दरअसल जो नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड है उसको डिवाइड करता है ये स्ट्रेट। मैं आपको पहले तो लोकेशन दिखा देता हूँ न्यूजीलैंड के, जो साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में न्यूजीलैंड पड़ता है। थोड़ा सा मैं अगर जूम करूँ तो देखिए ये नॉर्थ न्यूजीलैंड और ये साउथ न्यूजीलैंड, और तस्मन जो कुक स्ट्रेट है इन दोनों को डिवाइड करता है। दरअसल ये डिवीजन है तस्मन, या कनेक्ट करता है तस्मन सी से साउथ पैसिफिक सी ओशन को, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 23 किलोमीटर है। एक और बात कि एबेल तस्मन जो थे उन्होंने न्यूजीलैंड की डिस्कवरी की थी। दरअसल वो डच एक्सप्लोरर थे, डच आप समझते होंगे, डेनमार्क के लोगों को डच बोलते हैं, और 1642 में इसे डिस्कवर किया गया था।
दरअसल तस्मन जो थे उन्होंने पहले से इसकी खोज कर रखी थी, लेकिन जो ट्रू नेचर था, जो सही रास्ता था, वो कुक ने किया था, जेम्स कुक ने, इसीलिए इसे कुक स्ट्रेट कहते हैं। और ये वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं पल्क स्ट्रेट। पल्क स्ट्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपने इंडिया से रिलेटेड है। जो हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो रामेश्वरम है हमारा, वहां से ये सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से और कनेक्ट करता है पल्क बे और बे ऑफ बंगाल। तो आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल इस तरफ है, पल्क बे इस तरफ है, तो इसको सेपरेट करता है। और इसका नाम जो है वो पड़ा पल्क, रॉबर्ट पल्क पे, आर ओ बी ई आर टी, रॉबर्ट पल्क। और ये उस समय गवर्नर थे तमिलनाडु के, मद्रास प्रेसिडेंसी के। डेट अगर मैं लिख दूं 1755 टू 1763, तो ये उस समय यहाँ के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंसी में थे, मद्रास प्रेसिडेंसी में। और जो डिवीजन है वो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो रामेश्वरम भी हमारा एक आइलैंड है, और जो श्रीलंका का आइलैंड है मन्नार आइलैंड, उससे ये डिस्कनेक्ट होता है। इन दोनों के बीच के दूरी को अगर मैं लिखूं तो ये तकरीबन 53 टू 82 किलोमीटर वेरी करता है। और यही वो जगह है जहां पर एडम्स ब्रिज लोकेटेड है। आगे चलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट बेरिंग स्ट्रेट इज, एंड जो एशिया और अमेरिका का डिवीजन क्षेत्र है ये समझिए। अगर आपको लैंड वाया लैंड जाना है यूएसए अमेरिका, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लैंड ऑफ अमेरिका एंड एशिया, तो यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट जो आप मार्क देख रहे हैं। और दरअसल ये अलास्का में पड़ता है जो कि यूएसए का पार्ट है, और रशिया, तो इस तरफ रशिया है और ये है अलास्का। और ये कनेक्ट करता है बेरिंग सी और आर्कटिक सी। तो आर्कटिक सी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा पड़ता है पोल के तरफ। और जो शख्स थे जिन्होंने इस स्ट्रेट को डिस्कवर किया था, उनका नाम था वाइटस बेरिंग, इसीलिए उनका नाम पे पड़ा ये वाइटस बेरिंग। और वो डेनिस एक्सप्लोरर थे जो कि डेनमार्क के बिलोंग करते थे, डेनमार्क वाले को डेनिश बोलते हैं। मैं आई एम वेरी सॉरी, मैंने एक जगह गलती की पिछले स्लाइड में, डच नीदरलैंड के लोगों को बोलते हैं और डेनिश डेनमार्क के लोगों को बोलते हैं, तो प्लीज करेक्ट इट। आगे चलते हैं फॉर्मोसा स्ट्रेट। चाइना और ताइवान के बीच में लोकेटेड है फॉर्मोसा स्ट्रेट, या इसको ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं सीधी सीधी। तो बिटवीन चाइना एंड ताइवान, और ये कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी जो कि इस रीजन में है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी इस रीजन में इनको कनेक्ट करता है। और फिलहाल हाल के दिनों में चाइना और ताइवान के बीच में साउथ चाइना सी को लेकर मतभेद रहता है, तो फॉर्मोसा स्ट्रेट इज बिटवीन चाइना एंड ताइवान। आगे चलते हैं बब एल मंडब। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, बहुत शॉर्टकट रूट है की टू मेडिटेरेनियन, या जो आप मैं आपको स्विस कैनाल के थ्रू ये कनेक्ट करता है अमेरिका या जो वेस्टर्न नेशंस हैं। अगर ये रास्ता नहीं होता तो सी रूट वुड हैव बीन लाइक दिस, इस तरह से कुछ होता जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा पड़ता। बट जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ज्योग्राफिकल सिनेरियो है, वो एक शॉर्टकट क्रिएट करता है। देखिए ये सेपरेट करता है यमन को जिबूटी से, और ये लोकेटेड है, मैं अगर इस मैप में आप देखें, या फिर इस मैप में आप देख सकते हैं यमन एंड जिबूटी, दैट इज अफ्रीकन नेशन। और ये नेशन है जहां पर हमारे जो अभी प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनका पहला फॉरेन टूर इसी जगह पर हुआ था। इसके बाद ये जो रेड सी है उसको कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से, तो ये है गल्फ ऑफ एडन और ये है रेड सी जो कि आगे स्विस कैनाल के थ्रू मेडिटेरियन को लिंक करता है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है सुंदा स्ट्रेट जो कि सुमात्रा और जावा को अलग करता है, इंडोनेशिया के पास ये दोनों लोकेटेड हैं, जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। तो और भी कुछ कुछ है बट वी विल टेक दोज इन क्वेश्चंस, सो मैंने सारे नहीं लिए यहाँ पर, कुछ मैं क्वेश्चंस के रूप में भी लूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड आई होप नो स्लाइड्स आर लेफ्ट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फॉक डांस टेकअप करेंगे, उसके बाद
करंट अफेयर्स जो थे नवंबर के इंपॉर्टेंट वो हम शेयर करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.